सो है गाइस, आज कुछ इस टाइप का ओल्ड पेन फेस स्मूथ करना सीखेंगे। देख ही सकते हो कितना दर्दनाक हम लोग का फेस स्मूथ हो गया एंड हेयर भी ओल्ड पेंट में हो गया है। तो आप लोग भी सेम टू सेम इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस वाला वीडियो को जरा भी स्किप किए कंप्लीट वॉच कर लेंगे तो 110% गारंटी के साथ बोल रहे हैं आप लोग भी सेम टू सेम इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना सीख जाएंगे। एंड इस वाला वीडियो में फुल ट्यूटोरियल आ गया। आप लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं भाई फुल ट्यूटोरियल लाओ, भाई फुल ट्यूटोरियल, इसलिए मैं इस वाला वीडियो में फुल ट्यूटोरियल ला दिया कैसे फेस को स्मूथ किया जाता है, कैसे अपने बालों में ओल्ड पेंट का इफेक्ट डाला जाता है एंड बैकग्राउंड को कई टोन में चेंज कैसे किया जाता है। तो इस वाला वीडियो को ज़्यादा स्किप किए कंप्लीट देख लेना। अगर इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो नहीं किए तो फटाफट फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इजीली फॉलो कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन हो वहाँ से पूछ सकते हैं। बट गाइस, आप लोग तो वीडियो देख लेते हैं लेकिन छोटा सा काम नहीं करते, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू में बेल आइकन आएगा उसको भी और प्रेस कर लेना, क्योंकि हम लोग एक के बहुत करीब पहुँच गए हैं, इसलिए बोल रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करके जल्दी से जल्दी एक के कंप्लीट करवा दे यार। चलिए बिना कोई रमेश के वीडियो करते हैं स्टार्ट। A few moments later. So, okay guys, जो आप लोग को फोटो को एडिट करना है वो सिंपली से शेयर कर लेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में। जैसे हम लोग लाइटरूम में शेयर करेंगे, लाइटरूम का ऊपर से नोटिफिकेशन गिरेगा, उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आ जाएंगे लाइटरूम में। आने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली से ऑल फोटोज का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओके गाइस, यहाँ से हम लोग एक प्रीसेट को यूज करेंगे, इस वाला प्रीसेट आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा, जरूरी से जरूरी डाउनलोडिंग कर लेना। तो प्रीसेट यूज करने का यही फायदा होता है कि वन क्लिक में हम लोग का मतलब फोटो एडिट हो जाता है कम समय में। तो उसका प्रीसेट लेने में ज़्यादा कुछ नहीं करना है मेरे भाई लोग, थ्री डॉट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो ये रहा थ्री डॉट का ऑप्शन। सो गाइस, थ्री डॉट का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कॉर्नर साइज में थ्री डॉट का ऑप्शन इस पर, एंड इस पर क्लिक करने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कॉपी सेटिंग एक ऑप्शन दिखेगा इस पर क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद राइट ऑप्शन पर क्लिक करके, तो ये रहा राइट का ऑप्शन। सो गाइस, राइट का ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाला प्रीसेट को पहले कॉपी कर लेंगे, उसके बाद जो गैलरी से फोटो शेयर किए थे उस वाला फोटो को ऐड कर लेंगे एंड उसका थ्री डॉट का ऑप्शन पर क्लिक करके पेस्ट सेटिंग कर देंगे। तो हल्का सा हम लोग का फोटो लोडिंग लेगा एंड कुछ इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का थोड़ा ब्लैक ज़्यादा ही आ गया, लाइट पर क्लिक करके हल्का सा ब्लैक को मतलब कम कर लेंगे, मिनिमम 56 कर लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद कंटेंट को हल्का सा बाहर मतलब डिक्रीज कर लेंगे, ठीक है, 50 के आसपास कर लेंगे। उसके बाद इस सब सेटिंग को एडजस्ट करते हुए छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ से हम लोग का काम कंप्लीट हो जाएगा लाइटरूम से। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, शेयर ऑप्शन पर क्लिक करके एंड शेयर टू पर क्लिक करना है, इस वाला फोटो को शेयर कर लेंगे अपने टूल यूज एप्लीकेशन में। टूल यूज में जाने के बाद अपने बालों में ओल्ड पेंट का इफेक्ट अप्लाई कर देंगे। तो टूल यूज एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोडिंग नहीं किए तो इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, डाउनलोडिंग कर लेना। टूल यूज लिख के सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर तो इजीली मिल जाएगा, ठीक है, डाउनलोडिंग कर लेना। एंड चलिए, तो इस वाला फोटो को हम टूल यूज में शेयर कर लेते हैं, आप लोग भी शेयर कर लेना। सो ओके गाइस, टूल यूज में आने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है मेरे भाई लोग, इस टाइप स्लाइड करेंगे एंड स्लाइड करेंगे एक इफेक्ट नाम का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद सॉफ्ट असमर्ज पर क्लिक करना है एंड इफेक्ट नंबर 8 को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी 8 नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। देन गाइस, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मास्क ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड क्लीन पर क्लिक करना है। तो ये रहा क्लीन का ऑप्शन। सो इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग को इस टाइप से फोटो को जूम कर लेंगे एंड अपने बालों में ओल्ड पेंट का इफेक्ट अप्लाई कर देंगे एंड दाढ़ी पर भी अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी सेम टू सेम इसी प्रकार से दाढ़ी एंड बालों में कर लेना। चलिए मैं फटाफट पूरे दाढ़ी एंड बालों में ओल्ड पेंट का इफेक्ट अप्लाई कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लेना। सो ओके गाइस, बालों में एंड दाढ़ी में ओल्ड पेंट का इफेक्ट अप्लाई कर देने के बाद फिर हम लोग को कुछ नहीं करना है, राइट का ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड राइट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हल्का सा लोडिंग लेगा। उसके बाद हम वापस से सॉफ्ट असमर्ज पर क्लिक करेंगे एंड सॉफ्ट असमर्ज पर क्लिक करने के बाद इफेक्ट नंबर 5 को सिलेक्ट कर लेंगे, अगर 5 नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे एंड मास्क पर क्लिक करके क्लीन कर लेंगे एंड शर्ट या टी शर्ट पर इस टाइप से इफेक्ट को अप्लाई कर देंगे। शर्ट या टी शर्ट देखने में काफ़ी अच्छा सा लगेगा, तो आप लोग भी कर लेना इस टाइप से अप्लाई। तो सो ओके, इतना काम कंप्लीट कर लेंगे तो राइट का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो हम लोग का टूल से इतना ही काम था, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। देन गाइस, उसके बाद हम लोग का फेस को स्मूथ करना है, उसके लिए कुछ नहीं करना है मेरे भाई साहब, सिंपली से इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इस ऑप्शन क्लिक करने के बाद कुछ नहीं करना है, सेफ एंड शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड सेफ एंड शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद शेयर मोड का ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से शेयर कर लेंगे ऑटो डेस यानी स्केच बुक के अंदर शेयर कर लेंगे इस वाला फोटो को। तो चलिए इस वाला फोटो को स्केच बुक के अंदर शेयर कर लेते हैं एंड आने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक ऊपर साइड एक टूल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। ओके गाइस, इस पर क्लिक करने में हम लोग इस टाइप स्लाइड करेंगे तो असमर्ज नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, एंड असमर्ज नाम का ऑप्शन दिखेगा, इसको हम मतलब 7 ब्रश को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, 7 वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लेंगे
एंड आप लोग इसका सेटिंग देख सकते हैं। स्टैंड को हम लोग को मिनिमम 15 कर लेना, ठीक है। एंड फॉलो को भी बढ़ा के 5 कर लेंगे, ओके। एंड साइज को छोड़ देंगे उसे जिसके तस, क्योंकि यहाँ से आप लोग साइज को सिलेक्ट कर लें अपने फोटो के अकाउंट, ठीक है। एंड इस टाइप से अपने फेस को स्मूथ करेंगे, आप लोग भी सेम टू सेम इसी प्रकार से फेस को स्मूथ करना। ज़्यादा से भी बाल पर नहीं चलाना, देखिए बाल पर चलाएंगे तो इस टाइप से आ जाएगा ब्लैक ब्लैक, तो आप लोग बोलेंगे भाई मेरा फोटो में ब्लैक आ जा रहा है, इसलिए बोलेंगे अपने बालों पर नहीं चलाना, ठीक है, ओनली अपने फेस पर चलाना। तो आप लोग ब्रश को थोड़ा स्लो स्लो चलाना, ये नहीं कि पूरा मतलब हर बार गर्म ब्रश चला दिए तो पूरा फेस मतलब बेकार हो जाएगा, इसलिए बोले आप लोग स्लो स्लो चलाना। जितना आप लोग टाइम देंगे फेस को उतना ही अच्छा से फेस स्मूथ होता है। चलिए मैं फटाफट फेस को स्मूथ कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताता हूँ आप लोग को। सो गाइस फेस स्मूथ कर लेंगे तो जहाँ तक हम लोग का ब्लैक आ गया होगा, देखिए यहाँ पर मेरा ब्लैक आ गया है एंड यहाँ पर भी आ गया है। तो उसके लिए एक उपाय है, लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड प्लस के आइकन पर क्लिक करके नया लेयर क्रिएट करेंगे, जो नया लेयर क्रिएट उस पर क्लिक कर देना है एंड ब्लेंडिंग पर क्लिक करके यहाँ से सॉफ्ट स्मच को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद कट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कलर का ऑप्शन पर क्लिक करके वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। देन गाइस उसके बाद टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करके लाइब्रेरी पर क्लिक करके स्टेप सेलेक्ट करेंगे, ऊपर साइड एक मीडियम ब्रश होगा इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसका भी सेटिंग देख सकते हो, ओपेसिटी को पूरे 100 रखना है, साइज को अपने अकाउंट रख सकते हैं। एंड कट के ऑप्शन पर क्लिक करके इस टाइप से पूरा फेस पर चलाएंगे तो फेस व्हाइट भी हो जाएगा, जहाँ ब्लैक होगा वो भी हट जाएगा। चलिए मैं फटाफट व्हाइट कर लेता हूँ, ब्लैक भी हटा लेता हूँ, आप लोग भी हटा लेना। सो ओके गाइस उसके बाद आप लोग फाइनल रिजल्ट देख ही सकते हो, कुछ इस टाइप से हो गया। देखिए हम लोग का यहाँ पर पहले ब्लैक था ना, देखिए यहाँ से हट गया है, आप लोग को भी हट जाएगा जहाँ ब्लैक होगा। एंड उसके बाद ज़्यादा हम लोग का ब्राइटनेस आ गया है, आप लोग को भी फेस पर ज़्यादा ब्राइटनेस आ गया होगा, तो उसके लिए लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करके एंड सॉफ्ट स्मच पर सॉरी सॉफ्ट लाइट पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद इसका ऑफसेटिंग को डिक्रीज कर लेंगे यानी माइनस कर लेंगे ना, तो हम लोग का फेस का ब्राइटनेस थोड़ा कम हो जाएगा। आप लोग जितना फेस पर ब्राइटनेस रखना चाहते हैं वाइट मेनली उतना रख सकते हैं। उसके बाद मर्ज ऑल का ऑप्शन पर क्लिक कर देना। देन गाइस उसके बाद हम लोग का यहाँ से भी एडिटिंग फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस वाला फोटो को इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके एंड इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद शेयर का ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड शेयर का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अदर्स पर क्लिक करेंगे, ये रहा अदर्स का ऑप्शन। सो गाइस अदर्स पर क्लिक करें, शेयर करेंगे अपने पिक्सार्ट एप्लीकेशन में। पिक्सार्ट एप्लीकेशन में जाने के बाद अपने बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेंगे, ऑन क्लिक में ही वहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। चलिए पिक्सार्ट एप्लीकेशन में शेयर कर लेते हैं, आप लोग भी शेयर कर लेना। सो ओके गाइस पिक्सार्ट में आने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना, हम लोग को एक इफेक्ट नाम का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना है, ओके। इस पर क्लिक करने के बाद कलर्स का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कलर्स का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर कलर स्प्रेस पर क्लिक करेंगे एंड इसको प्लस का आइकन को पकड़ के इस टाइप ले जाकर बैकग्राउंड पर छोड़ देंगे। दैन उसके बाद हम लोग का स्प्रेस को इस टाइप से करेंगे तो हम लोग का मनपसंद बैकग्राउंड हो जाएगा, जो आप लोग का मनपसंद लगे कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है वही बैकग्राउंड को रख लेना आप लोग। उसके बाद इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाला फोटो को सेव कर लेंगे।